श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों धोरण छ हिंदी अंदर पाठ तमारे छ अध्याय चालतो हतो ए आपणे आगे आज जोईशुं। हम यह पाठ में देख रहे थे न्याय पाठ है, तो न्याय यानी कि अली ख्वाजा और वाजिद की जो बात बताई गई है उस पाठ में वह आपने पहले भाग में समझी होगी। आज भाग दो, तो आप जानते हैं कि अली ख्वाजा ने व्यापार में बहुत पैसे कमा लिए और 1000 सोना मर होने के बाद उसने सोचा कि मैं मक्का की यात्रा कराऊँ। वो मक्का की यात्रा करने निकलने की सोच रहा था, लेकिन जब वह 500 जो सोना मर थी यानी सोने के सिक्के मोहर यानी सोने के सिक्के, तो वह 500 मोहर तेल के घड़े में डालकर वह अपने दोस्त मित्र वाजिद के वहाँ रखने का विचार करता है और वह वहाँ जाकर रख कर 500 सोना मर लेकर वह मक्का की यात्रा करने जाता है। फिर हमने देखा था कि जब एक बार ऐसा हुआ कि अली ख्वाजा मक्का की यात्रा पर गए तब वाजिद के यहाँ दावत की, दावत में तेल की कमी हुई, तो उसने उसकी पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि अली ख्वाजा के तेल के गड्ढे में से थोड़ा तेल निकाल कर दूसरे दिन हम भर देंगे, अभी तो वह आने वाले नहीं है। तो यह सोचकर जब वो वाजिद तेल निकालने तह खाने में जाता है तो तेल निकाल कर जब वह निकालता है तब सोने की मोहरे उसे दिखाई, सब तेल में के डिब्बे में आवाज आती है, तो उसने सारा तेल निकाला तो देखा कि उसमें सोने की मोहरे थी। उसने सोने की मोहरे निकाल दी और तिजोरी में रख दी। जब ऐसा हुआ तो जो सोने की मोहरे थी वह निकाल कर उसने तिजोरी में रख दी और तेल का घड़ा इस तरफ सील बंद करके रख दिया जैसे पहले था। फिर कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया, घर में आकर सामान रख कर वह सीधा वाजिद के घर आए और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई, फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, वह सिर पटक कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरे नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरे मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सिर पर तेल कहाँ का जो घड़ा था वह उसी स्थान से मिला जहाँ आप रख कर गए थे, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरे थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी, दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा ने कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी परंतु सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहां अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करके करने के लिए कुछ समय चाहा। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अप्रख्यात हो गया था। यहाँ आप हमने देखा कि जो वाजिद था वह वाजिद ने जो सोने की मोहरे थी वह तेल के घड़े में नहीं थी, यह कबूल है। और
अली ख्वाजा ने कहा कि है उसमें कहा सुनी हुई झगड़ा हुआ और वह झगड़े का निवारा कहाँ काजी की अदालत में, लेकिन सबूत नहीं थे, अली ख्वाजा के पास सबूत नहीं थे इसलिए कुछ नहीं कर सके। फिर किसी ने कहा कि आप कहाँ जाए तो बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील कीजिए, तो वहाँ न्याय मांगने कौन गया, अली ख्वाजा गया, तो अली ख्वाजा ने वहाँ न्याय मांगने की कोशिश की। जब सब बात खलीफा ने सुनी तो उसने समय मांगा कि भी थोड़ा समय वक्त दे दो मुझे, तो वक्त उन्होंने दिया, एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अप्रख्यात हो गया। दो मित्र थे, दोनों मित्रों में पैसों की बाबत यानी कि सोने की मोहरे के बाबत पर झगड़ा हो गया। तो खलीफा एक दिन अपना भेष बदल कर शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्याय खेलते हुए देखा। वह छिप कर उनका खेल देखने लगे। उन्होंने लगा कि लड़का न्यायाधीश बना है, वह समझदार है, वह बड़ा समझदार दिखाई दिया, वह जिस तरह न्याय कर रहा था बिल्कुल ठीक है, इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। उसका नाम क्या था, हसन था। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कर हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा ने दरबार में अली ख्वाजा वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़ों का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर अपने दो तेलियों को बुलाया, फिर उसने दो तेलियों को बुलाया, तेल जो पीते हैं उस तेलियों को बुलाया। थोड़ी देर में दो तेली आ गए। हसन ने उसे कहा आप इस गड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस गड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों की बारी बारी से तेल की जांच हुई। किसी ने सूंघा चखा और अपना निर्णय दिया, घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद को घबरा गया, वाजिद जो था वह घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा हजूर तो मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने के लिए गया था, तभी मैंने तेल खरीदे था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा ने न्याय के लिए सबूत मिल गया। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के गढ़े से तेल और मोहरे निकाली है, आप इन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध में की सजा भुगतती है। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की बुरी बुरी यानी खूब सारी प्रशंसा की। तो इस तरह इस पाठ में हमने देखा कि जो अली ख्वाजा था वह खलीफा के यहाँ न्याय के लिए गया, वहाँ न्याय देने के लिए कुछ वक्त कहा, तो 1 सप्ताह का वक्त लिया। यहाँ खलीफा भेष बदल कर जब फिरने लगा तो उसने देखा कि कुछ लड़के न्याय खेल रहे थे। उसमें एक जो लड़का था वह न्याय बहुत अच्छा करता था, वह बड़ा समझदार था, उसका नाम था हसन। और हसन ने को देखकर उसने खलीफा ने उसे दरबार में बुलाया, उसने कहा कि यह तुम्हें इसका न्याय करना है।
तो अगले दिन खलीफा ने दरबार में उसे बुलाया और हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का निपटारा करो। हसन ने कहा कि तेलियों को बुलाया जाए, जहाँ जो तेल की निकालते हैं उस तेलियों को बुलाया जाए। उसने देखा, सुंगा और चखा तो 2 महीने पुराना था और बाजी जो था वो घबरा गया। उसको खबर उसे पता चल गया कि अब मेरी चोरी पकड़ाई जाए। इसलिए अली ख्वाजा ने कहा कि मैं तो 6 महीने पहले यात्रा के लिए निकल गया था। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जो वाजिद था वह चोरी के विश्वासघात के अपराध में पकड़ा जाता है। तो यहाँ यह न्याय में न्याय किसे मिला? अली ख्वाजा को। तो यह पाठ पूर्ण होता है। तो हम इसके प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। अली अपील निवेदन है शब्दार्थ अभाव की कमी जांच तपास तहखाना जमीन के नीचे तेल निकालने वाला पुरस्कार इनाम मुद्रित प्रशंसा खूब सारी अनमोहरे सिक्के। यहाँ मुहावरे के अर्थ भी आपको नोटबुक में दिए हैं, वह भी आपको लिखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा यह पाठ संपूर्ण पूर्ण होता है। जय श्री स्वामी नारायण।